नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी भाइयों का अपने चैनल इंडियन इन्फॉर्मेशन में। आवाज़ सुनने से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी को आवाज़ सुनने से संबंधित हर एक अपडेट मिल पाए। तो चलिए भाइयों, बात करेंगे पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत में और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत में, इन दोनों अपडेट को लेकर जिसमें FTO जनरेट हुए हैं और शहरी आवास योजना में रिलीजिंग ऑर्डर सेक्शन हुआ है। तो भाई बताएंगे आप लोगों को कौन कौन से राज्य हैं जहां पर इस समय FTO नंबर जनरेट हुए हैं ग्रामीण में और रिलीजिंग ऑर्डर सेक्शन हुआ है शहरी आवास योजना को लेकर। और एक और भी बड़ी अपडेट है भाइयों, जो अगर आप लोग उस राज्य से होंगे तो आप सभी भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी का तोहफा है। और साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड को लेकर भी मैं इस बार अपडेट दे रहा हूँ, और अपडेट 17 सितंबर से है भाइयों कि सभी लोगों को अब आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल पाएगा। जी भाइयों, जितने भी गरीब हैं उन सभी को भी आयुष्मान कार्ड का लाभ हम मिल सकता है, क्योंकि भाइयों बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका सफ़ेद कार्ड होता है, यानी जो अंत्योदय कार्ड होता है दोस्तों, उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा था, यानी आयुष्मान कार्ड उनका नहीं बनाया जा रहा था। तो अब उन सभी को भी आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा, यानी अब उन सभी को 17 सितंबर के बाद से आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा कुछ राज्यों में। जी हमारे कुछ राज्यों में, जो कि अभी अपडेट नहीं आई है कौन कौन सा राज्य है, अगर अब कोई अपडेट आती है तो मैं आप सभी को पहले देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बात करेंगे दोस्तों ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत में टोटल FTO नंबर जो कि जनरेट हुआ है इस महीने। जी हाँ भाइयों, आप लोग देख सकते हैं FTO नंबर जो कि बहुत तेज़ी से बनाया जा रहा है, और जो अमाउंट है आप सभी के खातों में जा भीगा। अब एक चीज़ बता दें, अभी 2 दिन पहले भाई ने कमेंट किया था कि सर जी ऑर्डर शीट बन चुका है लेकिन FTO नंबर नहीं आया है। तो अगर आज ऑर्डर शीट बना है तो 2 से 3 दिन लगता है FTO नंबर जनरेट होने में। इन केस कभी कभी ऐसा होता है 2 से 3 दिन, नहीं तो क्या होता है भाइयों, कभी कभी 1 दिन बाद ही FTO नंबर जनरेट हो जाता है, लेकिन अगर कभी कोई कारण हो जाता है तो 2 से 3 दिन लग जाता है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जैसे ही आपका ऑर्डर शीट बनता है तो आपको भी FTO नंबर देखने को मिल सकता है, अपना ट्रैक करेंगे पैसा और आपके बैंक खाते में रिसीव हो पाएगा। तो दोस्तों बता दें आपको, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, उड़ीसा, नागालैंड, त्रिपुरा, ये कुछ ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर FTO नंबर बहुत तेज़ी से जनरेट हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, यानी पिछले कई दिनों से FTO नंबर नहीं जनरेट हो रहे थे, तो यानी FTO नंबर बन ही नहीं रहता, यानी ऑर्डर शीट लग नहीं रही थी। तो अब यार चुनाव को देखते हुए, 2024 का जो चुनाव, उसमें ध्यान देते हुए रोज़ डेली कुछ लोगों का FTO नंबर यानी ऑर्डर शीट बन के तैयार हो ही रहा है। तो दोस्तों ये थी FTO नंबर जो कि ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत में। उत्तर प्रदेश में भी है, देख सकते हैं उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल का, देखेंगे अंडमान निकोबार में 26 लोगों का FTO नंबर जनरेट हुआ है, देख सकते हैं दमन द्वीप में 11 लोगों का, लक्षद्वीप में अभी नहीं बना है, पुडुचेरी में एक भी नहीं बना है, देख सकते हैं इसमें आंध्र प्रदेश में 3600 लोगों का FTO नंबर इस महीने जनरेट हो चुका है, यानी 3600 लोगों को आवास योजना का लाभ मिल चुका है भाइयों। बस ये क्या है, अभी उन लोगों का पैसा थोड़ा समय बाद ही जाता रहेगा, धीरे धीरे जब पहुँचेगा टोटल FTO नंबर दोस्तों अभी तक, यानी जो अभी तक जनरेट हुआ है। तो चलिए भाई बात करेंगे आप लोगों को, तो चलिए भाई अब दिखाते हैं आपको शहरी आवास योजना का अपडेट। तो उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए भाइयों, जो मैंने बताया कि अपडेट क्या है, देखिए आवास योजना छत्तीसगढ़ में 1 लाख आवास इस महीने मिलने वाला है। जब इस महीने में अगर आप लोग छत्तीसगढ़ से होंगे तो आप सभी को 1 लाख आवास योजना का लाभ मिलेगा इस महीने, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यानी भूपेश सिंह ने कहा है कि अब 1 लाख आवास योजना का लाभ हम इस महीने में सभी लोगों को पूरा कर देंगे, अगर नहीं पूरा होता तो अगले महीने में इनकेस दिया जाएगा। तो देखेंगे हम भाइयों, अब हम बात करेंगे जो प्रोजेक्ट है शहरी आवास योजना का रिलीजिंग ऑर्डर को लेकर। देखिए रिलीजिंग ऑर्डर अभी तक महाराष्ट्र का निकला इस महीने, जी भाई आज 16 सितंबर और अभी तक जो ऑर्डर निकला है सिर्फ महाराष्ट्र का ही शो किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र का 17 करोड़ रुपये ट्रांसफर हुआ है। अब नीचे और देखेंगे आप लोग, महाराष्ट्र का है दूसरी किस्त है जो कि 54 करोड़ रुपये ट्रांसफर किया गया है। इसी प्रकार 4 करोड़ 93 लाख रुपये ट्रांसफर किया गया महाराष्ट्र का, 3 प्रोजेक्ट ट्रांसफर किया गया इस महीने में। अब जो अपडेट मिली है उस अपडेट के अनुसार हमने बताया था भाइयों कि आप सभी को 15 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक पैसे भेजे जाएंगे, जो कि भाइयों आप लोगों को, सॉरी 10 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक। तो आप सभी भाइयों को, जितने लोगों का ऑर्डर शीट यानी रिलीज हुआ है, जितने लोगों का जनरेट हुआ है ऑर्डर शीट बना है, उन सभी लोगों को 17 सितंबर के बाद से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जी भाइयों, आप सभी बहनों के लिए और आप सभी भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि जितने भी भाई अभी वंचित हैं आवास योजना से, उन सभी को 17 सितंबर से, जिन लोगों का FTO नंबर जनरेट हुआ है और ऑर्डर शीट जनरेट हुआ है, उन्हीं सभी को पैसा मिलेगा, ये जान लीजिए भाइयों। तो एक ग्रामीण आवास योजना और शहरी आवास योजना की दोनों की अपडेट बहुत अच्छी है भाइयों, जल्दी से आप सभी को भी पैसा मिलने के चांस पूरे हैं। उम्मीद करूंगा भाइयों इस बार आप लोगों को पैसा मिल जाए। बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि थर्ड किस्त को लेकर, मैं आपको बता दूं भाइयों, थर्ड किस्त बहुत सारे लोगों का उत्तर प्रदेश में आया है, लेकिन भाइयों कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अभी तक ऑर्डर शीट नहीं जनरेट हो पाई है, यानी कुछ जिलों में जो ऑर्डर शीट नहीं बन पाई थी उन सभी को अभी रोका गया है। तो देखिए आप सबने देख सकते, उत्तर प्रदेश
और उत्तर प्रदेश। और अमाउंट आप देख सकते हैं, ये सब अमाउंट है भाई, जो देखिए 2023-24 का जो बजट है, और सामने उत्तर प्रदेश और अमाउंट देख सकते हैं, सेम अमाउंट आप ऊपर भी देख सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अमाउंट है। और आप लोग इंस्टॉलमेंट देख सकते हैं, आप लोगों को जो भी इंस्टॉलमेंट देखिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट, और ये भी देख सकते हैं आप लोग, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप साफ साफ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे फाइनल इंस्टॉलमेंट है। ये थी उत्तर प्रदेश को लेकर जो अपडेट थी, ये चीज़ जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में पैसा लगाया गया है, यानी भेजा गया है पैसा, लेकिन अब क्या है ना भाई, 75 जिला, तो 75 जिलों में एक ही बार में नहीं भेज सकता ना गवर्नमेंट, तो कुछ लोगों को भेजा, कुछ लोगों का रोका गया है। और एक चीज़ बता दूँ भाई, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे मध्य प्रदेश को लेकर, तो मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से लाडली बहना योजना का उद्घाटन कर दिया गया है, यानी लाडली बहना आवास योजना का उद्घाटन हो चुका है। जैसे लाडली बहना योजना था, उसी प्रकार अब लाडली बहना आवास योजना का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है, तो आप सभी भाइयों को जल्द ही इसका लाभ देखने को मिल पाएगा। तो चलिए भाई, जुड़े रहिए चैनल के साथ, धन्यवाद।